मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल चाल आप सबके? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की नवंबर 2019 के लिए प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रही होंगी। आप में से जो स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे बेटा, पिछले कुछ दिनों में बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया, व्हाट्सअप्स किए, टेलीग्राम के ऊपर पूछा कि सर क्या हमारे नवंबर 19 एंड सीएमए में दिसंबर 19 के लिए कोई अमेंडमेंट इनकम टैक्स में। और मैं बार बार एक ही बात कहता रहा कि नहीं, कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स होनी चाहिए। बहुत माइनर, बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं। इनसिग्निफिकेंट मैंने कहा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पुरानी हैं, जो ऑलरेडी मई 19 एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको नवंबर 19 के अमेंडमेंट समझ लिया, या ऐसा मैं बोलूँ कि कुछ लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को नवंबर 19 कह के वो अमेंडमेंट्स करवा दिए। खास तौर पे सेक्शन 10AA के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट था, और हैरानगी की बात यह है कि नवंबर 19 का अमेंडमेंट नहीं है, वो मई 19 के लिए अमेंडमेंट था, और मई 19 के एग्जाम में उससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बट देन मैनी स्टूडेंट्स आर मेड टू बिलीव दिस थिंग दैट अमेंडमेंट इज रेलिवेंट फॉर द नवंबर 19, विच आई टेंड टू डिसएग्री दैट वॉज रेलिवेंट फॉर मई 19, और उसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए, तो मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ इनकम टैक्स के कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके, और साथ साथ में एक और चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। एक डिस्कशन चल रहा है केस स्टडी से रिलेटेड। अगेन मैनी स्टूडेंट्स हैव बिन मेड टू बिलीव दैट नवंबर 19 में या मई 20 में केस स्टडीज आ रही हैं। तो क्या केस स्टडीज के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या केस स्टडीज एग्जाम में आ रही हैं? आइए जरा उसकी सच्चाई हम लोग ढूंढ गए। लेकिन उससे पहले अगर आपने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मेरे को कांटेक्ट करना हो, मेरा नाम जसप्रीत सिंह जौहर, अगर आपने मेरे को कभी भी कांटेक्ट करना हो किसी भी चीज़ के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव मी अ कॉल एट दिस नंबर 8010921000। व्हाट्सएप कर सकते हैं, यही मेरा टेलीग्राम का नंबर भी है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट आर स्टूडेंट फॉर द ओल्ड सिलेबस यागविंद्र, जिन्होंने थर्ड रैंक स्कोर किया है इन द रिसेंट एग्जामिनेशन ऑफ मई 2019। ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ आर इंस्टीट्यूट एंड थर्ड रैंक ही हैज स्कोर्ड। लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट हिम। थोड़ा सा देरी से रिजल्ट हमें पता चला, बट देन हिंदी में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बेटा, जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स के बारे में बात करें, अमेंडमेंट्स अगेन आई से नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो सिग्निफिकेंट। और एक अमेंडमेंट जो कि मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से बार बार चला के कह रहा था कि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता, तो शुक्र है भगवान का, खुदा का वास्ता, खुदा का शुक्र है इस चीज़ पे कि एक क्लैरिफिकेशन हो गया। जो मन में दुविधा चल रही थी स्टूडेंट्स की, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। एंड दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ सैलरी, दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ग्रेचुटी। अगर कोई इंप्लॉई ऐसा है जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो उसके लिए ग्रेचुटी का लिमिट क्या होगा? थैंक गॉड द ग्रेचुटी द लिमिट हैज बीन नाउ क्लैरिफाइड एट 20 लाख रुपीज। एंड आई हैव बीन सेइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल टीचर्स, आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग दैट द लिमिट हैज टू बी 20 लाख रुपीज। मेक्स नो सेंस कि जहाँ पे इंप्लॉई अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो उसके लिए 10 लाख रुपीज़, और जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है उसके लिए 20 लाख रुपीज़। मेक्स नो सेंस टू मी। तो चले, अब तो वो कॉन्ट्रोवर्सीज सेट असाइड हो गई, सेटल ऑन हो गई। इट हैज़ टू बी 20 लाख रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट फॉर फॉर इंप्लॉय कवर इंडर ग्रेचुटी एक्ट, फॉर द इंप्लॉय नॉट कवर इंडर ग्रेचुटी एक्ट। याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए तो हमेशा एग्जम्प्ट होता ही है। गवर्नमेंट इंप्लॉय में आएगा इंप्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंप्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बट देन मोस्ट डिसहार्टनिंग थिंग हैज बीन सेक्शन 10AA।
मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन मेड टू बिलीव दैट 10AA अमेंडमेंट नवंबर 19 के लिए आया है. नहीं मेरे दोस्तों, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी मई 19 के लिए एप्लीकेबल हो चुका था और उससे रिलेटेड मई 19 के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा सीनियर सिटीजन पूछ चुका है. ये अमेंडमेंट क्या कहता है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था. अमेंडमेंट कुछ इस प्रकार से था कि सब मान लीजिए अगर मैंने कोई गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने हैं या अगर मैं कोई सर्विसेज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एंड आई एम लोकेटेड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन एरिया, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉफिट है उन प्रॉफिट का हमें डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 10AA में. अब ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन कैलकुलेट करते समय हमें चाहिए होता था एक फिगर एक्सपोर्ट टर्नओवर का और एक फिगर होता था हमारे पास टोटल टर्नओवर का. टोटल टर्नओवर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब टोटल वर्ड यूज कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी आएगा और जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आपने विद इन इंडिया बेचा वो भी आएगा, तो दैट इज योर टोटल टर्नओवर. बट देन द इशू वाज व्हाट इज एन एक्सपोर्ट टर्नओवर. एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब था फॉरेन एक्सचेंज जो आप इंडिया में ले आए विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू से एज एन एक्सपोर्ट टर्नओवर. लेकिन कई बार ऐसा था कि जब मैंने कोई गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए तो जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ इंपोर्टर है, मैं उस इंपोर्टर को कहता था कि तुम्हारी वजह से मेरे कुछ खर्चे हो रहे हैं, जैसे फ्रेट का खर्चा है, कोई इंश्योरेंस का खर्चा है, इस तरह के खर्चे. तो हम इंडिया में बैठे हुए एज एन एक्सपोर्टर, हम उस इंपोर्टर से वो खर्चे भी रिकवर करते थे. जनरली ऐसा ही होता है, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान परचेस करते हैं, तो वो दुकानदार अलग से कार्ट्रेज या फ्रेट आपसे चार्ज करता है. बिल्कुल उसी प्रकार से इंडिया में बैठे हुए हम लोग एज एन एक्सपोर्टर, हम फॉरेन में बैठे हुए इंपोर्टर से कार्ट्रेज या फ्रेट या इंश्योरेंस का खर्चा हम लोग चार्ज कर लेते थे. नाउ द क्वेश्चन वॉज, क्या वो इंश्योरेंस का खर्चा, क्या वो फ्रेट का खर्चा और इस प्रकार के जो खर्चे इंडिया का बैठा, इंडिया में बैठे हुए एक्सपोर्टर फॉरेन में बैठे हुए इंपोर्टर से चार्ज कर रहा है, क्या इसको भी टर्नओवर का पार्ट मानना है? दैट वॉज एन इशू. द क्लैरिफिकेशन वॉज गिवन कि नहीं, इसको हम लोगों ने टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना. ना तो ये टर्नओवर का पार्ट होगा, ना ही ये एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट होगा, ना ही ये टोटल टर्नओवर का पार्ट होगा. तो जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो भी, और जब आप टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो भी, दोनों सिचुएशन में आपने फ्रेट और बाकी के इस तरह के खर्चों को लेस करना है. इससे रिलेटेड हमारे सी इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को टेस्ट किया था नवंबर 2019 से पहले. मई 2019 में इससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आया था. मेरा मानना उस समय भी था जब मैंने क्वेश्चन देखा था कि इसके वेटेज 3 नंबर की बहुत कम थी, इसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, 5 या 7 नंबर की वेटेज होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 अलग अलग साल की कैलकुलेशन मांगी थी इंस्टीट्यूट ने और वो भी अमेंडमेंट के साथ में. तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वेटेज कम थी. यही सारी बातें जो अभी अभी मैंने बोली, ये सारी बातें यहाँ पे लिख के दी है मैंने आपको. बहुत ध्यान से इसको पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है. 10AA से रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक फ्रेट, एक्सपेंसेस लाइक टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ. बोथ दोनों वर्ड आ गया, आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ, दोनों से आपने एक्सक्लूड करना है, फ्रॉम बोथ एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज द टोटल टर्नओवर. While working out the deduction which is allowable या admissible under section 10AA to the extent that they are attributable to the delivery of the articles or things outside India. That means जो goods आप इंडिया से बाहर deliver कर रहे हैं, export कर रहे हैं, उनके corresponding अगर आपके कोई freight का खर्चा है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, तो आपने उसको कंसिडर नहीं करना है, आपने उसको लेस कर देना है एक्सपोर्ट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए, टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए. दोनों बोथ फुट को मैंने बक्से में डाल दिया है. इसी प्रकार से मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर आपने कोई खर्चा किया है फॉरेन करेंसी में, किस से रिलेटेड, अगर कोई सर्विसेज आप इंडिया से बाहर दे रहे हैं और उन सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चे इंडिया से बाहर किया है तो उसको भी एक्सक्लूड करना है. अगेन बोथ दोनों से एक्सक्लूड करना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी एक्सक्लूड कर दीजिए और टोटल टर्नओवर से भी एक्सक्लूड कर दीजिए. अब
इतनी बात समझने का, तो अगर अगर सिर्फ बोल दिया जाए कि हाँ ऐसा कर देना, तो थोड़ा सा ना बात डाइजेस्ट नहीं होती भाई। एक्सपेंसेस को लेस कर देना, 10 डबल कैलकुलेट करते समय कैसे होगा ये? तो उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सीन से टूटने हैं। मई 19 के एग्जाम में पूछा था, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास मई 2019 का 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा ये क्वेश्चन। 3 नंबर का क्या कह रहा है? कहता है, कृष्णा फर्निशेज यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1718 एंड द प्रीवियस ईयर 1819। तो एक तो पिछला साल और एक करंट साल, तो एक प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर और एक करंट प्रीवियस ईयर, दो प्रीवियस ईयर का डाटा आपके सामने दिया हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द स्पेशल इकोनॉमी जोन SEZ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14। मेरे बेटा, फाइनेंशियल ईयर 13-14 बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। SEZ से रिलेटेड सेक्शन 10AA ये कहता है कि आपके प्रॉफिट का 100% का डिडक्शन मिलेगा पहले 5 साल, प्रॉफिट का 50% का डिडक्शन मिलेगा अगले 5 साल, और फिर प्रॉफिट का 50% या जितना पैसा आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में डाल दिया, दोनों में से जो भी लोअर होगा उस लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा लास्ट के 5 साल। दैट मीन्स डिडक्शन मिलेगा टोटल 15 साल के लिए। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, लास्ट के 5 साल 50% ऑफ द प्रॉफिट या जितना पैसा आपने रिजर्व के अंदर डाला, दोनों में से जो लोअर है उसका अमाउंट आ जाएगा। नाउ ये स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट उस ईयर से होगा जिस ईयर में आपने SEZ के अंदर जाकर अपनी एस्टैब्लिशमेंट किया है। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि 13-14 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ये 5 साल हो गए। 17-18 बीइंग द फिफ्थ ईयर, तो 5 सालों में आपके प्रॉफिट का 100% का डिडक्शन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 18-19 से जो 5 साल स्टार्ट होंगे, 18-19 को इंक्लूड करते हुए जो 5 साल स्टार्ट होंगे, उन 5 सालों में प्रॉफिट का 50% का डिडक्शन मिलेगा। ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? ये प्रॉफिट कैलकुलेट बड़ा आसान है करना। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कुछ इस प्रकार से, यहां पर लिख देता हूं। ये जो प्रॉफिट होगा जिसका डिडक्शन मिलना है, दैट विल बी योर प्रॉफिट ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग टू बी डिवाइडेड बाय TT, दैट इज टोटल टर्नओवर, टू बी मल्टीप्लाई बाय ET, दैट इज योर एक्सपोर्ट टर्नओवर। ये एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब है जितना फॉरेन करेंसी एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में इंडिया में आ चुका है। टोटल टर्नओवर का मतलब है एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस जितना भी पैसा या जितना भी सेल्स डोमेस्टिक टेरिटरी में है, विद इन इंडिया है, उसको मिला के। इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आराम आराम से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट एग्जाम में आया था, 3 नंबर का। कहता है 2017-18 का डाटा और 18-19 का डाटा आपको गिवन है, और आपसे डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहा है। टोटल सेल्स दिया हुआ है आपको 60 लाख रुपीज का, और उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स दिया हुआ है 48 लाख रुपीज का। ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक सेल्स जिसे हम लोग DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी बोलते हैं, 12 लाख रुपए का। फिर वो कहता है कि इस 60 लाख रुपए में से 43,20,000 रुपीज का अमाउंट ऐसा है जो कि वो इंडिया में ट्रांसफर कर चुका है। कब तक वो कर चुका है इंडिया में ट्रांसफर? 30 सितंबर 2018 तक, दैट इज विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो प्रॉफिट ऑफ द अबव अंडरटेकिंग 6 लाख रुपए दिया हुआ है। आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितने अमाउंट का 10AA के अंदर डिडक्शन मिलेगा, कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, जो कि बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 43,20,000, दैट इज अ फॉरेन करेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट टू इंडिया। टोटल टर्नओवर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 60 लाख रुपीज का। तो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपने करनी है कैलकुलेशन इस प्रकार से कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज का। देखते रहो, मैं जहां पे टिक मार्क कर रहा हूं नीचे सॉल्यूशन में, प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज का। डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर के साथ, डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर के साथ। टोटल टर्नओवर आ जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया दोनों को मिला के,
और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर के साथ, दैट इज 43,20,000 के साथ में। सो 43,20,000 इज एन एक्सपोर्ट टर्नओवर, प्लस 12 लाख रुपए आपके बन जाते हैं डोमेस्टिक सेल्स का, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का, दोनों को मिला दें तो टोटल टर्नओवर आ जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड आपने कैलकुलेशन किया तो दिस इज द प्रॉफिट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 10AA। अब इस प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा 100% का, क्योंकि पहले 5 सालों में तो 100% का ही डिडक्शन मिलता है, और 17-18 कम्स अंडर द फर्स्ट 5 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2013-2014। उसके बाद का डाटा जो गिवन है वो उसके बाद का डाटा गिवन है 18-19 का। 18-19 का डाटा देखिए क्या कहता है। 18-19 का डाटा हमें बताता है कि उसने जो टोटल सेल्स किया था वो क्या था, 85 लाख का। आउट ऑफ दिस 85 लाख रुपीज 55 लाख रुपीज का एक्सपोर्ट था, लेकिन 55 लाख में से जो इंडिया में फॉरेन करेंसी आया विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दैट वॉज 40 लाख रुपीज, और जो डोमेस्टिक सेल्स था वो था 30 लाख रुपीज का। प्रॉफिट दिया हुआ आपको 10 लाख रुपीज का, लेकिन इस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन के नीचे कमाल की इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है आउट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 2018-19, तो ये डाटा 18-19 के लिए गिवन है, द फ्रेट अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आउटसाइड इंडिया। इस टोटल टर्नओवर के अंदर 5 लाख रुपए का फ्रेट इंक्लूडेड है मेरे बच्चे, 5 लाख का फ्रेट। नाउ द कंसेप्ट इज, जो फ्रेट हो, इंश्योरेंस चार्जेस हो, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हो, क्या इसको हम लोगों ने टोटल टर्नओवर में कंसिडर करना है? आंसर इज बिग नो। तो आप इस अमाउंट को टोटल टर्नओवर से भी हटाएंगे, आप इस अमाउंट को एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी हटाएंगे, दोनों से आपने 5 लाख रुपए हटा देना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिया हुआ है 40 लाख रुपीज का फॉरेन करेंसी जो इंडिया में आया। 40 लाख रुपीज मीन्स द एक्सपोर्ट टर्नओवर, माइनस कर दो 5 लाख रुपए, इट विल बी नाउ 35 लाख रुपीज, याद रखिएगा। और नीचे सोल्यूशन में अगर आप देखें तो 35 लाख रुपीज यहां पे गिवन है। उसके बाद दोबारा से एक बार पढ़े, 40 का ये हमारे पास एक्सपोर्ट टर्नओवर है, डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है 30, 40 प्लस 30 कम्स टू 70, और 70 में से 5 लाख रुपए का आपका फ्रेट का अमाउंट है, हटा दीजिए उसको वहां से, तो 70 माइनस 5 किया तो हमारे पास आ गया 65। यू कैन वेल सी दैट माय टोटल टर्नओवर, दिस इज माय टोटल टर्नओवर, दिस इज माय एक्सपोर्ट टर्नओवर, और जो प्रॉफिट की फिगर गिवन है 10 लाख रुपए की वो तो है ही है। तो जब मैंने प्रॉफिट को एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके टोटल टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास प्रोपोर्शनल प्रॉफिट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स आ गया। ये जो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट है, अब मैं इस प्रोपोर्शनल प्रॉफिट का 50% करूंगा फॉर अ सिंपल रीजन कि अब ये जो डिडक्शन हमारा चल रहा है ये 6 साल में पहुंच चुका है, 6th ईयर में पहुंच चुका है, और 6th ईयर में 6 साल में जो हमें डिडक्शन मिलता है दैट इज ऑलवेज 50%, 6 to 10 इज 50 एंड देन 11 to 15 हमारे पास आ जाता है रिजर्व एंड 50% दोनों में से जो भी लोअर होगा। तो मेरे बेटा वट आई सिंसियरली बिलीव कि मैं शायद ये कोशिश कर पाया कि आप लोगों को ये बता दूं कि 10AA का ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट नवंबर 19 के लिए नहीं है, ये अमेंडमेंट पहले आ चुका था, मई 19 में आ चुका था, मई 19 के लिए एप्लीकेबल था। गॉड नोस सीएन शूट ने डिस्कस किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन यस आई हैड डिस्कस दिस थिंग इन माय क्लास और मेरे स्टूडेंट्स दे वर वेरी हैप्पी टू डू दिस क्वेश्चन। ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, नए सिलेबस का नहीं है। और बेटा शायद इन्हीं बातों से, क्योंकि अमेंडमेंट्स हम लोग क्लास के अंदर करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करते हैं, शायद यही बातें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के हमारे कंसेप्ट अच्छे रहते हैं एंड टाइम टू टाइम वी हैव बीन स्कोरिंग ग्रेट रिजल्ट्स। 2018 में वी हैड फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 2019 का मई हुआ है, अगेन वी हैव थर्ड रैंक, एंड आई एम होपिंग दैट इन नवंबर आई विल बी स्कोरिंग मच मच मोर रैंक्स देन व्हाट आई हैव डन अर्लियर। चलिए लेट अस सी, भगवान ऊपर बैठा हुआ है, मेरा साथ देगा या नहीं देगा देखने वाली बात है, बट देन आई एम प्रीटी श्योर कि जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं क्लास में रिजल्ट्स हमारे अच्छे आएंगे ही आएंगे। कुछ और अमेंडमेंट्स टीडीएस के चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं, टीडीएस के चैप्टर में अमेंडमेंट है एक हमारे पास सेक्शन 193 के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़।
ये अमेंडमेंट भी हम लोगों ने पहले से अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में सेक्शन 193 कवर होता है। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और उनके ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस होगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर टीडीएस नहीं होता। वो जो सिचुएशंस है जहां पर टीडीएस नहीं होता, उन सिचुएशन में दो सिचुएशन और इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था जब मैंने सेक्शन 54EC करवाया था इन माय बैच फॉर मे 19, और वहां पे मैंने बताया था कि 54EC में अमेंडमेंट हुआ है। पहले होता था ऑल एसेट्स, अब हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में भी मैंने क्लासिफाई करवाया कौन कौन सा लैंड, कौन कौन सा बिल्डिंग। और उसी समय मैंने ये भी बताया था कि 54EC के अंदर दो नए बॉन्ड्स इनकॉर्पोरेट किए गए, और उन वो बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ये 54EC में डिस्कस किया जा चुका था। सी इंस्टीट्यूट ने भी इस बार दे दिया, चलो हमने भी मान लिया, हमने भी कर लिया। सी इंस्टीट्यूट भी बता रहा है, हमें ऑलरेडी ये बात पता थी कि टीडीएस नहीं कटेगा फॉर द इंटरेस्ट पेएबल। टीडीएस नहीं कटेगा कौन से केस में टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपके बॉन्ड्स हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 54EC से रिलेटेड है, और साथ साथ में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगेन जो 54EC से रिलेटेड है। तो 54EC में जब अमेंडमेंट आया था उसी समय हम लोगों ने ये भी साथ साथ में डिस्कस कर दिया था कि इन बॉन्ड्स के ऊपर जब आपको ब्याज मिलेगा तो 193 सेक्शन के हिसाब से मुताबिक उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन 194A में एक क्लैरिफिकेशन है। दिस इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस एंड दैट इज देयर इज अ क्लैरिफिकेशन। रिकॉल करो हम लोगों ने सेक्शन क्या था, 80TTB। सीनियर सिटीजन अगर कोई इंटरेस्ट कमा रहे हैं सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। सो देयर वाज अ कॉमन सेंस कि अगर उनका 50,000 रुपए तक का उनका डिडक्शन मिल ही रहा है, 50,000 रुपए तक का अमाउंट का अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं है, तो टीडीएस भी नहीं होना चाहिए। हालांकि टीडीएस के किसी सेक्शन में ऐसा मेंशन नहीं था, बट देन देयर वाज अ कॉमन सेंस। हाँ, अब उस चीज को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि साहब 194A दैट इज इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट से आ रहा हो, डिपॉजिट से आ रहा हो, टाइम डिपॉजिट से आ रहा हो। टाइम डिपॉजिट का मतलब जो डिपॉजिट आप करते हो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। तो फिर अगर 194A में वो कवर हो रहा है, टीडीएस की कैटेगरी में आ रहा है, तो फिर सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो एग्रीगेट अमाउंट 50,000 या 50,000 से कम है। बाकी सबके लिए आपने 10,000 की लिमिट चेक करनी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए आपने लिमिट चेक करनी है 50,000 रुपए की। इसको रिलेट कर देना, 50,000 को रिलेट कर देना 80TTB के साथ, आपको याद हो जाएगा। साथ साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 194A में ही हम लोगों ने कंसेप्ट और पढ़ा था। 194A में लिस्ट गिवन है कि कौन कौन से सिचुएशंस में टीडीएस नहीं होगा। वहां पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि सब ऐसी और कोई भी ऐसा और कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा और कोई भी बॉडी, ऐसा और कोई भी एसोसिएशन विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है कि कौन कौन सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके 194A इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटता है। तो फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इस बार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज हुडको। हुडको को इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि हुडको के केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो 194A हम लोगों ने यहाँ पे एक डिस्कस किया है। तो 193 में एक अमेंडमेंट है छोटा सा, 194A में एक अमेंडमेंट है छोटा सा। अगेन टू माय ओपिनियन दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं पहले से ही करवा चुका था। ग्रेचुटी का 20 लाख का लिमिट में पहले से बोल रहा था कि 20 लाख ही अप्लाई होना चाहिए। थैंक गॉड कि इस बार उसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। इसी प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का जो चैप्टर था उसके अंदर आता था रूल नंबर 114। रूल नंबर 114 हमें बताता है कौन कौन से सिचुएशन में आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है, कंपलसरी है।
और अगर पैन नंबर नहीं है, पैन नहीं है, तो फिर उस केस में आपको पैन के लिए अप्लाई करना होगा। वहां पे तीन सिचुएशंस ऑलरेडी पहले से मेंशन थी जो हम लोग क्लास में कर रहे थे। पहले सिचुएशन कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या वो किसी और की इनकम के लिए लायबल है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, किसी और की इनकम के लिए लायबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि क्लबिंग के प्रोविजन, जहां पर भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, आपकी इनकम मेरी इनकम में क्लब हो रही है, तो फिर वो देखा जाएगा कि मैं क्लबिंग को मिला के क्या 2.5 लाख से ज्यादा की मेरी इनकम है। अगर हाँ, तो फिर उस केस में मेरे लिए पैन नंबर लेना जरूरी है, उसके लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है, और ये एप्लीकेशन 31 मई तक दे देना जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, और उसका टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी उसको अपना पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है, और ये पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, पहले मैंने कहा था 31 मई, अब मैंने कहा बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसी प्रकार से वहां पे एक और तीसरी कंडीशन भी हमारे पास पहले से थी कि साहब अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो चैरिटेबल ट्रस्ट अगेन बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने पैन नंबर के लिए अप्लाई करे, ये भी कंपलसरी था। चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से बहुत बार ये वाला पॉइंट हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते थे। इस बार दो नए पॉइंट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। These are two new points that have been incorporated. These new points which have been incorporated are point number 4 and then point number 5. ये दो points हैं जिनको इन्होंने incorporate किया है इस बार, और ये दो points क्या कहते हैं जरा ध्यान से पढ़ेंगे। Point number 4 कहता है कि कोई भी ऐसा individual जो कोई भी ऐसा resident person जो individual नहीं है, that means कोई Hindu advanced family resident है, पार्टनरशिप फॉर्म रेसिडेंट है, EOP BOI रेसिडेंट है, याद रखिएगा इंडियन कंपनी तो हमेशा रेसिडेंट होती है, तो कोई भी ऐसा SSC जो रेसिडेंट है और अगर उसने किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उस पर्सन को, उस SSC को 31 मई तक एप्लीकेशन देना होगा। किस चीज के लिए एप्लीकेशन देना होगा? पैन नंबर के अलॉटमेंट के लिए, पैन के अलॉटमेंट के लिए। इसी प्रकार से इन्होंने एक और कंसेप्ट इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया कि साहब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, ऑथर है, ट्रस्ट का ऑथर जो ट्रस्ट बनाते हैं, ऑथर है, फाउंडर है, करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, कहने का मतलब भाई किसी भी नाम से टॉप पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है जो कि पॉइंट नंबर 4 में रेफर है उससे रिलेटेड है। पॉइंट नंबर चार जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, 2.5 लाख के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जो SSC 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहा है उस SSC के लिए पैन होना जरूरी है, और साथ साथ में उसके जो टॉप ऑफिस बीरड्स हैं, जो टॉप पोजीशन में बैठा हुआ, चाहे किसी भी नाम से, मैनेजर के नाम से, कर्ता के नाम से, ऑथर के नाम से, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से, पार्टनर के नाम से, ट्रस्टी के नाम से, किसी भी नाम से, एनी पर्सन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 4, उस इंडिविजुअल को भी अपना पैन नंबर अप्लाई करना जरूरी है, और इस केस में भी 31 मई तक उसको अपना पैन के लिए अप्लाई करना है। साथ साथ में ध्यान देना, जो भी पैन है वो नए वाले पैन इशू होते हैं, जो अब नए पैन इशू हो रहे हैं वो लेमिनेटेड कार्ड्स में भी इशू हो सकते हैं, और उसके अलावा वर्चुअल कार्ड्स भी आजकल इशू किए जा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 2.5 लाख रुपए के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उस SSC का टॉप पोजिशन में बैठा हुआ है मैनेजर के तौर पे, किसी और तौर पे, उसको भी पैन नंबर लेना जरूरी है। ये दो पॉइंट्स इस बार ने ऐड हुए हैं, टू विच आई बिलीव आर अगेन नॉट सो सिग्निफिकेंट। अगर आप इसको हल्के में भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी। साथ साथ में बेटा ध्यान देना, एक और कंसेप्ट था जहाँ पे आपको अपने पैन नंबर के साथ अपने आधार को लिंक करना जरूरी था, उसके लिए सेक्शन में बनाया गया था 2 साल पहले, सेक्शन 139AA,
और इसके अंदर इन्होंने कहा था कि साहब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पैन जिसको आधार अलॉट हो चुका है, एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी टू कोट आधार नंबर ऑन और आफ्टर 1st of July 2017। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आधार अलॉट किया जा चुका है वो आधार का नंबर मेंशन करेगा। कहाँ पे मेंशन करेगा? वो मेंशन करेगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन, जिस समय पैन का अलॉटमेंट होगा उस समय उसको मेंशन करना है, और साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी मेंशन करना है अपना आधार नंबर। हालांकि ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आधार मेंशन करना है, इससे लेके थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज चल रहे थे और असमंजस की पोजीशन थी कि भाई करना है नहीं करना, कानून बना हुआ है, बट स्टिल उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने कहा यस, पैन एंड आधार दे हैव टू बी लिंक टुगेदर, एंड हमारी गवर्नमेंट ने उसमें डेट जो जुलाई 17 की लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अप्रैल 19 कर दिया। तो अब पोजीशन ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी रिटर्न सबमिट करेगा 1st April 2019 या उसके बाद, उसको अपने रिटर्न के ऊपर आधार नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पैन नंबर की एप्लीकेशन दे रहे हो जुलाई 2017 के बाद कभी भी, तो आपको पैन के एप्लीकेशन पे अपना आधार नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए आपने आधार के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, आधार आपको अभी मिला नहीं है, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने आधार के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको वहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार मिला होगा। तो जो आपको आधार का एनरोलमेंट आईडी मिला है, आधार नहीं मिला अभी, लेकिन आधार का एनरोलमेंट आईडी अगर आपको मिल गया है एज एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने आधार के लिए अप्लाई कर दिया, आप वो मेंशन कीजिए पैन के साथ और आईटीआर की आईटीआर सबमिट करते समय। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर बताया गया था कि साहब अगर आपको पैन मिल चुका है जुलाई 2017, तो फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पैन लेना है वो अपना पैन इन्फॉर्म करेगा टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट विच हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब दो बातें यहाँ पे थी कि साहब पहली चीज़ हमें ये पता ही नहीं थी कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन सी, भाई किसको बताना है कि हमारा पैन नंबर और आधार नंबर क्या है। दूसरी बात, कौन सी तारीख तक बताना है कि हमारा आधार नंबर क्या है, क्योंकि आधार को पैन के साथ लिंक करना है तो गवर्नमेंट ने यह तो कहा था सेक्शन 139AA के अंदर कि अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देना एक पर्टिकुलर डेट तक, लेकिन भाई कौन सी अथॉरिटी और कौन सी डेट ये हमें नहीं पता था। यहां पर लिखा हुआ था विच विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गया, अगेन नॉट सो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आपने अपना आधार इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है किसको, प्रिंसिपल DGIT सिस्टम्स या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को आपने इन्फॉर्म करना है अपना आधार नंबर पैन के साथ लिंक करने के लिए, और कौन सी तारीख तक इन्फॉर्म करना है, आपने इन्फॉर्म करना है 30th September 2019 तक आपने इन्फॉर्म करना है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पैन को आधार के साथ लिंक करना कंपलसरी नहीं है, जैसे जम्मू और कश्मीर के स्टेट थी, जम्मू कश्मीर के स्टेट से रिलेटेड बात याद आ गई हमें, इस बार आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, उसको अबॉलिश किया गया है, तोड़ दी गई है धारा 370 आर्टिकल 370, तो फिर उसका क्या रेलिवेंस रहेगा इस पॉइंट से रिलेटेड, दैट विल बी सीन इन टाइम्स टू कम, बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास पोजीशन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना आधार और पैन को लिंक करना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन केस दिया गया है, और इस प्रकार से कुछ और एक दो छोटे छोटे से हमारे पास एक्सेप्शन केसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी हैज टू लिंक देयर आधार विद अ पैन कार्ड बाय इन्फॉर्मिंग इट टू, किसको इन्फॉर्म करना है, बाय इन्फॉर्मिंग इट टू द प्रिंसिपल DGIT सिस्टम्स या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, इनको आपने इन्फॉर्म करना है। कब तक इन्फॉर्म करना है, 30th September तक आपने इनको इन्फॉर्म करना है। अगेन इसके नीचे कुछ और चीज़ें ऑलरेडी ये सेक्शन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, जो रेलिवेंट है सिर्फ वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है।
एक और चीज जो अभी मेरे को बहुत अपसेट सी कर रही है, और इनफैक्ट मेरे को अपसेट इस वजह से करिए क्योंकि आप लोग उस सबसे रिलेटेड हैं और अपसेट हो रहे हैं, एंड दैट इज दिस अनाउंसमेंट दैट वाज मेड ऑन 24th of August. दिस वाज द अनाउंसमेंट विच वाज मेड ऑन 24th of August, एंड दिस वाज द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केस स्टडीज एंड केस सिनेरियोस. मेरे बेटा ध्यान देखो, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है. वर्ड लिखा हुआ है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट अभी सोच विचार कर रहा है कि एमसीक्यूज को रिप्लेस कर दे विद द केस स्टडीज. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर मेड टू बिलीव दिस थिंग कि केस स्टडीज एप्लीकेबल हो गए. आई हैव बिन रिसीविंग कॉल्स, आई हैव बिन रिसीविंग व्हाट्सअप्स, आई हैव बिन रिसीविंग मैसेजेस ऑन टेलीग्राम डे इन डे आउट. सर क्या नवंबर में केस स्टडी आ जाएगी? सर केस स्टडीज करवा दो. सर हम बड़े अपसेट हो रहे हैं, सिर्फ 2 महीने रह गए. सर केस स्टडीज आएंगी, कैसे तैयारी करेंगे? अरे भाबा, किसने कहा केस स्टडीज आएंगी? हु सेड दिस थिंग? इस पूरी अनाउंसमेंट में कहाँ लिखा है कि केस स्टडीज नवंबर में आ रही हैं, या कहाँ लिखा है कि केस स्टडीज मई 20 में आ रही हैं? क्यों परेशान हो रहे हो? सिर्फ कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ रूमर्स फैला देते हैं और आप लोग उनके रूमर्स में आ जाते हैं. भाई पढ़ो तो सही, उसमें अनाउंसमेंट में क्या लिखा है. अनाउंसमेंट साफ साफ कह रहा है कि हम लोग अभी चाहते हैं ऐसा हो, और उसके लिए केस स्टडीज बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सामने आना चाहता है, अगर सी इंस्टीट्यूट की मदद करना चाहता है, तो वो मदद करे. जिसके बदले में सी इंस्टीट्यूट ने कहा हम उस व्यक्ति को जो केस स्टडीज बनाएगा हमारे लिए, हम उसको रेमुनरेशन भी पे करेंगे. भाई कितनी रेमुनरेशन पे होगी? या देखिए लिखा हुआ है कि रेमुनरेशन पे करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द केस स्टडी 5,000 रुपये CA फाइनल के लिए, और अगर इंटरमीडिएट की कोई केस स्टडी बनाता है तो उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा 1,500 रुपये का. साथ साथ में ध्यान देना, ये केस स्टडीज होंगी जो कि लंबे लंबे केस स्टडीज होंगी. जो फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो फाइनल में ये जो केस स्टडीज की लेंथ होगी वो होगी 5 से लेकर 6 पेजेस तक. लिखा हुआ है इसके अंदर, कहाँ गया भाई? हाँ ये लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ द केस स्टडी इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुड बी अराउंड 4 to 6 pages. ये 4 से 6 pages का केस स्टडी आएगा सीए फाइनल में. बहुत मुश्किल होगा ये, मैं आपको अभी बता रहा हूं. जब भी आएगा, मेरे को नहीं पता कब आएगा. एंड प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप स्पेकुलेशंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, भाई पढ़ो, तुक्केबाजी ना लगाओ, अफवाहों में मत आओ, स्पेकुलेशंस मत करो कि नवंबर में आएगा, मई में आएगा. अरे भाई जब आएगा इंस्टीट्यूट बता देगा, हम लोग उसकी तैयारी करेंगे. क्या इसमें इशू क्या है, इसमें डर किस बात का है? सो जब भी आएगा बहुत मुश्किल होगा. फाइनल के अंदर 4 से लेकर 6 पेज, कैन यू इमेजिन 6 पेज का एक क्वेश्चन है. जब आप पहले पेज से छठे पेज तक पहुंचोगे तो आप भूल चुके होगे पहले पेज पे क्या लिखा था या पहले पैराग्राफ पे क्या लिखा था. इतना मुश्किल बना देंगे ये. दैट इज गुड, ऐसा ही होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे. इंटरमीडिएट लेवल पे भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि साहब जो हमारी केस स्टडीज होंगी वो केस स्टडीज 1 से लेकर 2 पेज की होंगी. अब याद रखना, ये केस स्टडीज 1 से लेकर 2 पेज, तो मान के चलना 2 पेज की केस स्टडी होंगी. जब ये 2 पेज की केस स्टडीज हैं तो 2 पेज के अंदर अगेन आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ एक चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू आ रहेगा, 5-6 चैप्टर्स को मिला देंगे. हो सकता है ऐसा भी हो जाए, अगर मैं केस स्टडी बनाऊं तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा भी हो जाए कि एग्जामिनर आपके इनकम टैक्स और GST दोनों को मिक्स करके एक केस स्टडी बना दे, जो कि बड़ी आसानी से बन सकती है. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, आओ जरा एनालाइज करते हैं. एक छोटी सी सिचुएशन याद करो, इनकम टैक्स में सेक्शन आता है 44AE, दैट इज रिलेटेड टू ट्रक ऑपरेशंस. ट्रक ऑपरेशंस कह लीजिए या GTA कह लीजिए, और GST के अंदर भी हम लोगों ने GTA पढ़ा है, GTA वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा, और GTA से रिलेटेड एग्जेम्पशंस भी पढ़ा, GTA से रिलेटेड रिवर्स चार्ज भी पढ़ा. तो भाई मैं अगर एक क्वेश्चन बनाऊं यहां पे, केस स्टडी बनाऊं 2 पेज का, तो लंबी चौड़ी कहानियां बनाऊंगा कि एक बंदा है, उसने ये ट्रक परचेस किया, उसके पास एक ट्रक था, तो उसके पास एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि एक फ्लड लोकेशन पर उसने
अपना सामान पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है तो गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा पे करेगी, जब गवर्नमेंट उसको पैसा पे करेगी तो वो इनकम 44AE के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और साथ साथ में फ्लड के लिए जब वो सामान लेके जा रहा है तो GST के एग्जम्पशंस में आ जाएगा, उसके फ्रेट के ऊपर GST नहीं लगेगा। इस प्रकार से तो केस स्टडीज बन सकती हैं, और एक क्या बहुत सारी बन सकती हैं। याद रखना MCQs स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs नहीं होंगे, होंगे केस स्टडीज होंगी, मुश्किल मुश्किल केस स्टडीज होंगी, एंड बिलीव मी ट्रस्ट मी वेट फॉर इट, आई विल बी गिविंग यू वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ केस स्टडीज इन द टाइम टू कम। जब भी हमारा सीनसूट केस स्टडीज इनकॉर्पोरेट करेगा, उससे पहले हम लोग अपनी केस स्टडीज भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी किसी को नहीं पता कि केस स्टडीज कब आएंगे, नवंबर 20 में किसी को नहीं पता। एंड प्लीज फॉर गॉड से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, स्टॉप स्पेकुलेशंस, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हेन इट विल हैपन, सो व्हेनेवर इट विल हैपन वी आर रेडी, हम लोग उसके साथ तैयार हैं। और बाय दैट टाइम बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू, अपनी तैयारी करें अच्छे से। इनकम टैक्स में कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जो भी हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। GST में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, सर GST के अमेंडमेंट्स एक खास वजह से, एक खास रीज़न से मैं GST के अमेंडमेंट्स जानबूझ के अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। डेलिब्रेटली देर इज़ सम रीज़न, deliberately I'm not uploading, I will start uploading all amendments of GST, chapter wise amendments मैं आपको करवाऊंगा in few days from now, till that time bye bye and enjoy yourself, best of luck to all of you, good day, enjoy yourself, bye bye।